प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए मैथ का कार्य पत्रक 17 करेंगे। आज हम सीखेंगे आरोही और अवरोही क्रम को। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या के डिब्बे में सही का निशान लगा। तो बच्चों, इनमें से 478, 388, 847 और 744, 874 में सबसे बड़ा कौन सा है? 874 बड़ा है, बाकी से छोटे हैं। नेक्स्ट वाले में बच्चों 911 बड़ा है और तीसरे वाले में 764 बड़ा है। अगला प्रश्न है दूसरा, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या पर सही का निशान और जो सबसे बड़ी संख्या वहां पर स्टार लगाना है। तो बच्चों, सबसे छोटी संख्या है कै में 299 और सबसे बड़ी 808 है। छोटी पर हमने टिक का साइन लगा रखा है और बड़ी पर स्टार का। दूसरे में बच्चों आएगा, सबसे छोटी है 809 और सबसे बड़ी है 980। तो बच्चों, ये जो होता है जीरो बाहर होता है और बाद में अंक होते हैं, ये तीन अंकों की नहीं होती है, ये दो अंकों की होती है, क्योंकि जीरो की आगे कोई वैल्यू नहीं होती। अगर पीछे लग जाता है फिर तो वैल्यू हो जाती है, लेकिन अगर जीरो बाहर आ गया और पीछे दो अंक है तो वो दो अंकों की मानी जाएगी। ये मत सोचना कि ये 99 छोटा है बाकी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी 809 आएगी। 99 और 88 छोटी मानी जाएंगी और दो अंकों की मानी जाएंगी। तीसरा है बच्चों गै, तो यहाँ पर सबसे छोटा 321 है और सबसे बड़ा जहाँ स्टार लगा हुआ है 392। अगला तीसरा प्रश्न है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है बच्चों 187, फिर उससे बड़ी है 397, मैंने लिख दिया है, उससे बड़ी है 688, फिर 739, फिर 799, 911, 937। ये आरोही क्रम में है यानी बढ़ते क्रम में। और अगला है बच्चों अवरोही में, बिल्कुल उल्टा करना है। पहले सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो यहाँ सबसे बड़ी है 991, फिर 989, 988, 891, 839, 391, 389। तो आपको घटते जाना है, सबसे बड़ी से लेकर सबसे छोटी में आना है। प्रश्न पांचवा है, दिए गए बॉक्स में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। तो यहाँ सबसे छोटी 422 है, दूसरे वाले में 348 और गैप में 121। छठे प्रश्न में दिए गए बॉक्स में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी है बच्चों 983, दूसरे वाले में खै में सबसे बड़ी 931 और गै में 770 बड़ा है। प्रश्न सातवां है, बॉक्स में दी गई बीच की संख्या में बाईं तरफ एक घटाएं और दाहिने तरफ एक जोड़े, ऊपर 10 जोड़े और नीचे 10 घटाएं, ग्रिड को पूरा करना। तो बच्चों, प्रश्न पहला हल किया हुआ है, हम दूसरा करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 555 दे रखा है, ऊपर तो आपको 10 बढ़ाना है यानी 565 हो जाएगा, नीचे घटाना है 545 हो जाएगा, बाएं में एक घटाना है 554 हो जाएगा, दाएं में एक बढ़ाना है तो 556 हो जाएगा। तीसरा सवाल करेंगे, 900 दे रखा है, तो बच्चों बाएं में एक घटाएंगे तो 899 हो जाएगा और दाएं में एक बढ़ाएंगे 901 हो जाएगा। ऊपर बच्चों 10 बढ़ाएंगे, यहाँ 10 प्लस करना है, यहाँ पर 10 माइनस करना है, यहाँ पर माइनस एक करना है, यहाँ पे प्लस एक करना है, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो नीचे हो जाएगा 990, ऊपर हो जाएगा 910, बाएं में 899, दाएं में 901 हो जाएगा। आगे बच्चों प्रश्न जो तीसरा है, चौथा आ गया घे, तो बीच में 360 दे रखा है, तो बाएं में एक घटाना है 359 हो जाएगा, दाएं में एक बढ़ाना है 361 हो जाएगा, और ऊपर 10 बढ़ाएंगे तो 370 हो जाएगा, और नीचे बच्चों 10 घटाएंगे तो 350 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों 111 दे रखा है, बाएं में एक घटाएंगे 110 हो जाएगा, दाएं में एक बढ़ाएंगे 112 हो जाएगा, ऊपर बच्चों 10 बढ़ाएंगे 121 हो जाएगा, नीचे 10 घटाएंगे तो 101 हो जाएगा। अब ये बच्चों 225 है, बाएं में एक घटाएंगे 224, दाएं में एक बढ़ाएंगे 226, ऊपर 10 बढ़ाएंगे 235 हो जाएगा और नीचे 10 घटाएंगे 215 हो जाएगा। ये सवाल बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये घुमावदार सवाल है, घुमाकर दिया हुआ है, तो आपको वीडियो को गौर से सुनना है कि मैम क्या बोल रही है, ठीक है?
तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ लिखा है बायां ये वाला होता है, ठीक है। जैसे एक सवाल मैं आपको बता रही हूँ आपकी सुविधा के लिए, ये मेरे पास है 110 दे रखा है, ठीक है, ये बॉक्स है, तो ऊपर भी है बच्चों बॉक्स, नीचे भी है, बाएं भी है और दाएं भी है, तो यहाँ पर आपको एक घटाना है यानी 109 हो जाएगा, यहाँ पर एक बढ़ाना है यानी 111 हो जाएगा, यहाँ पर 10 बढ़ाना है प्लस 10 करना है तो 120 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, एक दो बार में सुनिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे, तब तक आपको इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है, फिर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप खुद ही कर लेंगे। अब वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अगर नहीं कर रखा है तो कर रखा है तो थैंक यू, और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।